कैटरीना कैफ ने याद किया कि जब उन्हें पता चला कि टाइगर 3 में उनके हमाम सीक्वेंस की शूटिंग से पहले उनका बॉडी डबल बीमार पड़ गया था तो वह रो रही थी। कैटरीना कैफ अभी भी टाइगर 3 की सफलता का आनंद ले रही हैं और हाल ही में जेद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक बातचीत में अभिनेत्री ने कहा कि हमाम सीक्वेंस में उनका बॉडी डबल नहीं था और जब उनके निर्देशक मनीष शर्मा ने उन्हें इस दृश्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया तो सचमुच उनकी आंखों में आंसू आ गए। हमाम का सीन फिल्म का टॉकिंग पॉइंट रहा है और यहां कैटरीना के एक्शन स्टंट को काफी सराहना मिली है। कैटरीना ने फेस्टिवल में कहा कि टाइगर 3 फीट के कुछ एक्शन दृश्य निश्चित रूप से अभूतपूर्व थे। उन्होंने आगे साझा किया, मैंने हमाम सीक्वेंस में अपना बॉडी डबल खो दिया। मैं अपने निर्देशक और निर्माता के पास गया और मैं रो रहा था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी और मुझे लगा कि नहीं नहीं, और वह कह रहा था कि तुम यह करने जा रहे हो। टॉवल फाइट सीन ने कैटरीना के पति अभिनेता विक्की कौशल को भी हैरत में डाल दिया। अपनी फिल्म सैम बहादुर का प्रचार करते हुए विक्की ने एक्सप्रेस अड्डा पर बात की और टाइगर 3 के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, इसलिए मैं फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गया था और हम फिल्म देख रहे थे। जाहिर है जब सीक्वेंस आया तो सीक्वेंस के बीच में मैं उसकी ओर झुका और कहा, मैं अब से तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे तौलिया पहन कर पी दो। मुझे लगा कि जिस तरह से उसने इसे खींचा वह अविश्वसनीय था। मैंने उनसे कहा, आप शायद बॉलीवुड की सबसे अद्भुत एक्शन अभिनेत्री हैं। इसलिए मुझे वास्तव में उसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत पर गर्व है। उन्हें देखना बहुत प्रेरणादायक है। कैटरीना ने भी फिल्मफेयर के साथ एक बातचीत में कहा था कि टाइगर 3 में उन्हें एक्शन करते हुए देखने के बाद विक्की ने घोषणा की थी कि उनके बीच अब कोई झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा, अब से आप जो भी कहें वह सही है, वह ऐसा है जैसे आप सही हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, उसने याद किया। कैटरीना अब श्रीराम राघवन की फिल्म मेरी क्रिसमस की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, जिसमें विजय सेतुपति भी हैं।